नमस्कार बच्चों, आज मैं पाठ 3 झीलों की नगरी के साथ इस चैनल पर उपस्थित हूँ। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश से जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। एक विशेष बात ये है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामा शाह, बीलू राणा पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहां मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इसमें दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहां दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमज माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हैं, उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्प ग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से दो सुंदर बगीचे हैं। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इससे यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। हिरण को कुलांचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है।
इन झीलों के किनारे वर्ष में दो बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है, पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप आओ तो चकरी डोलर झूलों में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं, उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। धन्यवाद।